हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। मैं अमित गिरी, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी, और हम बात कर रहे थे 11th पोर्शन में सीक्वेंस एंड सीरीज पे हुआ हमारा। तो मैं इन डिटेल अभी बता देता हूँ आपको हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली। आपको जो बच्चे ये लेक्चर देखें उससे पहले उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उनको पढ़नी है। अभी तक क्या हुआ हमारे साथ, हमने बेसिक मैथ्स में बेसिक कंसेप्ट की, नंबर सिस्टम और ये सब बेसिक कंसेप्ट, वी हैव कवर्ड लॉगरिथम, है ना। अब तक कितना हुआ है, अब तक कितना हो गया है, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, ज़रूरी है। लॉगरिथम हमारा हुआ है, थोड़ा बहुत इन डिटेल, थोड़ी बहुत चीज़ें छोड़ी मैंने जो कि आपको मैं ऑनलाइन इस तरह सिखा नहीं सकता था सिर्फ, है ना। तो वो चीज़ें, एक दो चीज़ें हैं लॉग में, वो मैं आपको जब आप क्लास में आओगे तब बता दूंगा। फिलहाल जितना चीज़ चाहिए था हमें यूज़ के लिए उतना हमने पढ़ा, और बहुत सारा इन डिटेल ही पढ़ा है। दूसरी चीज़ मैंने आपको इनइक्वालिटी सिखाई, सॉल्विंग इनइक्वालिटी। तो भाई इतनी चीज़ें डन होनी चाहिए इनइक्वालिटी की। फिर मॉडुलस फंक्शन किया, मॉडुलस फंक्शन में इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाया मैंने आपको। फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना, हाँ क्वाड्रेटिक फंक्शन सिखाया। अपनी चर्चा हुई क्वाड्रेटिक फंक्शन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया मैंने, बहुत सारी चीज़ें इसमें बात हुई अपनी, है ना, पूरा इन डिटेल जितना बेसिक से कहीं ना कहीं 10th से ज़्यादा लेवल पर बात की हमने। और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, आइडेंटिटीज और इन पर सब पर बात हुई। और हमने सीक्वेंस सीरीज भी कवर किया, सीक्वेंस सीरीज जिसे आप बोले हो कि प्रोग्रेशन, है ना भाई। तो लगभग आप देखते ही देखते बहुत कम लेक्चरों में ही हमने लगभग इतना बेसिक कवर किया है, लगभग इतने टॉपिक्स का बेसिक जो कि हमें लगभग दूसरे क्वेश्चंस में ज़रूर अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा बेसिकली नया कुछ बेसिक, जैसे कि हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके एक पूरा चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, उसमें लगभग 5 या 6 टॉपिक्स आते हैं उसके अंदर। तो उसके लिए बेसिक जो चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। 10th लेवल पर भी आपने पढ़ा होता है, स्ट्रेट लाइन पढ़ा होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होता है, वहीं चलेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगा सीक्वेंस सीरीज के, बढ़िया से क्वेश्चन जो जेई में आए और आप कर सकते हो, है ना, वो क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया कि इतना सब हमने किया है। पहले बेसिकली पूरा एक आप क्या काम करो, बेसिक मैथ्स का पूरा एक बुक बनाओ और उस बुक में ये सारी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करो, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो उससे बेटर है कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, वरना मैं दे दूंगा आपको। यहाँ जब आओगे, जब आप क्लास में, तो आपको शॉर्ट नोट्स में सारी चीज़ें मैं दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट मिलेंगे, सारा कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन करता हूँ मैं, कुछ एक दो मेरे पास अच्छे क्वेश्चन हैं। तो उससे पहले मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि आप समझो वो कंसेप्ट, है ना। कंसेप्ट ये है, है ना, इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही रैंडम कंसेप्ट है कि आप लोगों ने देखा है कई बार ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी जैसी चीज़ कोई लिखी हो, है ना, है ना भाई, इक्वल टू ज़ीरो मैंने लिया है, दिस बिलोंग्स टू इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ दिमाग में लगाता हूँ, तो मैं इस चीज़ को इधर के इधर ही, है ना, 1/2 मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर। तो ये कुछ 2a स्क्वायर दिखेगा आपको, 2b स्क्वायर दिखेगा प्लस 2c स्क्वायर दिखेगा माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac बना इक्वल टू जीरो, कुछ फ़र्क पड़ा क्या? 2 को आज भी उधर भेज सकता हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं कि 1/2 उधर जीरो में तो जा ही सकता है। तो फाइनली आपको दिख रहा है कि है ना, या एक काम करता हूँ इक्वल टू जीरो हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, है ना, इक्वल टू जीरो हटा दो थोड़ी देर के लिए, बाद में इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो फिलहाल मेरे पास ये चीज़ दी हुई थी कुछ ऐसा ही रैंडम, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, है ना, ऐसा लिख सकते थे कि नहीं। तो फाइनली ये आपको दिख रहा है कि 1/2, अच्छा अंदर आप ध्यान से देखो तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। आप देखो आपके पास 2a स्क्वायर हैं, 2b स्क्वायर हैं, आपके पास 2c स्क्वायर हैं। तो हो ना हो थोड़ी देर के लिए मैं आपको अगर डायरेक्ट लिख दूँ तो आपको अच्छा लगेगा, a माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, b माइनस सी स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस c माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। आपको सोचना ये आया कैसे, दिस जो ब्रैकेट के अंदर पूरा लिखा है ना वो इसके बराबर है, कैसे सर? देखो ना मैं बराबर करके दिखाता हूँ। यहाँ से एक स्क्वायर, जैसे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे एक ए स्क्वायर आएगा, एक बी स्क्वायर आएगा,
यहाँ से देखेंगे तो एक बी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर, एक ए स्क्वायर है ना, तो एक ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर, टू सी स्क्वायर, और इस ब्रैकेट से माइनस टू ए बी, माइनस टू बी सी, माइनस टू ए सी, बैलेंस्ड। अब ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये चीज़ इक्वलेंट टू जीरो थी, जैसा कि उधर हम ले रहे थे, चलो जीरो लेके ही चलते हैं, इक्वल टू जीरो था है ना, तो इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर चीज़ ये है कि भाई ये चीज़ पूरी इक्वल टू जीरो थी, आज भी इक्वल टू जीरो है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ऐसा, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर, यू नो आप जानते हो कि किसी भी चीज़ का एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, किसी भी पॉजिटिव चीज़ का स्क्वायर जीरो के बराबर है ना, मतलब ये है कि पॉजिटिव फंक्शन हो, कई सारे पॉजिटिव फंक्शन का सम इक्वल टू जीरो है ना, और पॉसिबल जब ही होगा, पॉसिबल जब ही होगा, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ, जब ही होगा जब इंडिविजुअल फंक्शन इक्वल टू जीरो हो, जब इंडिविजुअल फंक्शन इक्वल टू जीरो हो। लगभग बहुत काम की बात मैंने बोल दी है यहाँ पर। जैसे समझो पॉजिटिव फंक्शन हमारे पास e की पावर x पढ़ा था आपने, e की पावर x प्लस कल को आपके सामने आ जाए x माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाए, प्लस x माइनस टू का होल स्क्वायर आ जाए, और इन सब का सम सम इक्वल टू जीरो दे दे कोई, तो ये जब ही पॉसिबल होगा जब ये इंडिविजुअल लोग इक्वल टू जीरो बैठेंगे। नहीं समझ में आया, क्योंकि भाई आप खुद सोचो, मैं x की जगह अगर कुछ भी वैल्यू रखता हूँ, ये पॉजिटिव देने वाला है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, ये भी पॉजिटिव देने वाला है, कुछ तीन लोग पॉजिटिव मिलकर कभी जीरो के बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। वो जब ही हो सकते हैं बराबर जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो पूरा, ये भी जीरो हो। वही चीज़ यहाँ पर बोलने वाला हूँ मैं कि ये जब ही पॉसिबल है कि जब ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, तो फाइनली यहाँ से रिजल्ट आता है, इसको अगर इक्वल टू जीरो किया तो ए इज इक्वल टू बी, इसको जीरो किया तो बी इज इक्वल टू सी, इसको जीरो किया तो सी इज इक्वल टू ए, तो फाइनली आपको समझ में आया कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये बात समझ में आई क्या? ये रिजल्ट है, किसके लिए रिजल्ट है? इफ, अब पूरा लिख देता हूँ मैं, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो जैसी चीज आए, देन आप ऐसा लिख सकते हो। बोलो, देन आप अगर कभी भी ऐसा चमके आपके सामने, तो ये जीरो जब ही पॉसिबल है जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी कि तीनों आपस में बराबर हों, तो ये रिजल्ट है, आपको याद रखनी है डायरेक्ट डायरेक्ट बात। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कि ये मैंने बताया क्यों आपको, और वो भी इस समय क्यों बताया है ना। चलो मिटा दूँ फिर, ये भी लिख लेना। क्वेश्चन पे आता हूँ, आपको समझ में आएगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे थे। जेई वालों ने इसी चीज़ को उठा लिया, बेसिक कंसेप्ट को, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक सेकंड रुको है ना, पैरेलली कई सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पे आता हूं मैं, द क्वेश्चन इज, पूछा उन्होंने कि फॉर एनी थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स A, कॉमा बी एंड सी, 9 × 25 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज प्लस 25 सी स्क्वेयर माइनस 3 ए सी इज इक्वल टू 15 टाइम्स बी ब्रैकेट में 3 ए प्लस सी। देन पूछा, ऑप्शंस दिए ए, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है, तो हम इसीलिए क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके लिए। उन्होंने पूछा बी कॉमा सी एंड ए आर इन जी पी, सीक्वेंस सीरीज से ऐसा क्वेश्चन आया, तो मैं ये बस जताना चाहता हूँ कि आपको पता चलेगा कि कितना अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको जो पढ़ोगे आप उसी से आपका हो जाएगा क्वेश्चन है ना।
कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, बस आप भरोसा रखो। ए कॉमा बी एंड सी आर इन ए पी एंड दी ऑप्शन इज ए कॉमा बी एंड सी आर इन जी पी, है ना भाई। तो कुछ इस तरह क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन ही कॉपी किया मैंने, जेई मेंस 2017 में आया क्वेश्चन। इसके सॉल्यूशन पे गौर करेंगे और कैसे होगा वो चीज़ें जानते हैं। तो मैंने अभी भी आपको इसीलिए इसका कंसेप्ट भी बताया कि क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एनी थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स, ए और बी सी क्या हैं, कोई तीन पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और जिनके लिए कुछ रिलेशन उन्होंने लिख दिया है ना भाई, रिलेशन लिखा है 9 × 25a² + b² + 25c² - 3ac, ऐसा कुछ तो लिखा है, ठीक है, और इक्वल टू 15b 3a + c। बस एक कुछ मुझे क्या दिख रहा है, मुझे तो कुछ रिलेशन दिख रहा है, ये कुछ ए बी सी लिख के वो रिलेशन देकर भाग गए, है ना। देन पूछ लिया कि बताओ अब बी सी ए जी पी में होगा या बी सी ए पी में होगा या ए बी सी ए पी में होगा या ए बी सी जी पी में होगा। अब ऐसे तो हम ऑप्शन टिक नहीं कर सकते बेसिकली। कोई मैंने तीन बातें आपको कल लेक्चर में बताई थी कि कोई आए और आपके सामने बोल के जाए ए बी सी ए पी में है तो क्या होना चाहिए रिलेशन, 2b = a + c, है ना। कोई आए ए बी सी बोल के जाए जी पी में भाई, तो क्या रिलेशन होना चाहिए, b² = ac। तो ऐसा कुछ होगा हमारे साथ तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन बेसिक रिलेशन उन्होंने ऐसा कुछ बना के दिया। तो हो ना हो मैं इसी पर हाथ पैर चला सकता हूँ, जो कुछ करना होगा मैं इसी पर करूँगा। तो दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा कि सर इसका क्या करें, इतना बड़ा भारी रिलेशन लिख दिया है। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखो, किसी ने गौर किया इस पर, रिलेशन पर ही गौर किया, तो उसने एक चीज़ पाया। क्या चीज़ मिली उसको, कि 9 किसी चीज़ का तो स्क्वायर होता है, 25 भी किसी चीज़ का स्क्वायर होता है, 25 भी किसी चीज़ का स्क्वायर होता है, और 15 × 3 = 5 × 3। बार बार एक चीज़ पर ध्यान आया कि हो ना हो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर की बात हो रही है, फिर इधर 5 का स्क्वायर, इधर भी 3 है, इधर 5 × 3 = 15 और इधर 3, तो हो ना हो कुछ 3² 5² जैसी चीज़ें आने वाली हैं। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में आया कुछ मल्टीप्लाई करके देखते हैं अच्छे से, उसने क्योंकि डी अरेंज करके लिखा है, मैं अरेंज करके अच्छे से लिख के देखता हूँ कि ये क्या दिखता है, फिर दिमाग लगाते हैं। तो दिमाग में आया ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं सबको और एक तरफ बुलाते हैं, तो 9 × 25 मैं ऐसा लिखता हूँ a² + 9 × b² + 25c² - 25 × 3ac, है ना भाई, माइनस है ना, ओके ध्यान रखना साइन वाइन गड़बड़ ना हो जाए। फिर इन लोगों को भी उधर बुला लेता हूँ मैं, सबको एक तरफ बुला लेता हूँ, तो ये हो गया -15 × 3a × b और -15b × c = 0 कर दूँ उधर, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। फिर थोड़ा और अच्छे से मेरा मन कर रहा है कि लिख दूँ कि ये 9 को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ, तो ये हो गया 3 × 5a² बोलो सब एग्री करते ना ये भाई, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सर ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल सही, प्लस इसको लिख सकते हैं 3b² है ना भाई। तो 5 × 3 को थोड़ा और अच्छे से लिख दूँ, 15 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना, 15 लिख दो सर, यस 15a² + 3b² + थोड़ी देर में ये भी हो गया 5c². देखो आराम से चलना है ताकि आपके, है ना, आपको लगे कि कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, स्टेप्स में मिस्टेक्स भी नहीं करनी होती हमें, वरना अगर कहीं गड़बड़ किया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ये चीज़ें भी काम करती हैं, एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। 25 × 3ac है, 25 × 3ac है, तो 25 × 3 × ac, 5 इसका लूँ इसका लूँ, क्योंकि देखो 15 × 3 = 25 ये भी, और ac इसके साथ इसका मल्टीप्लाई 25 × 3 AC 5 × 15 = 15 × 5 होना चाहिए था यहाँ पर, 5 × 15 हाँ ठीक है, 25 × 3 = 75 15 × 75 ठीक है सही है ना। तो ये है, इसको अगर मैं सही से लिखूँ तो 15 × 15a × 3 5c है ये, इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ तो ये लिखा है AB है ना, तो यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, तो 15a × 3b है ये, -bc है तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन रहा होगा, तो ये है 3b × 5c। बोलो कितने लोगों को समझ में आया, सर सही अरेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं हम ये। अब ये फिट हो रहा है मेरे फॉर्मूले में, कौन सा फॉर्मूला सर आपने बताया, a² + कैपिटल में लिख रहा हूँ मैं b² क्योंकि यहाँ सब
इस तरह है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो किसी दिन दिखे तो ये रिजल्ट आपने पढ़ा है। ऐसा कभी भी फोटो चमके तो इसके लिए डायरेक्ट आपको मैंने बताया है रिजल्ट क्या है। इफ ऐसा मिले आपको देन आपको क्लिक होना चाहिए कि हो ना हो ये तीनों आपस में बराबर हैं तभी ये रिजल्ट ट्रू है ना भाई, ट्रू है। तो मैं भी वही काम करूं फिर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये रिजल्ट है, कंसेप्ट यही है इसमें। तो ये कंसेप्ट अगर जिस बच्चे को क्लिक हुआ उस दिन उसने वो क्वेश्चन बना दिया, जिसको नहीं हुआ वो टाइम भी लेके गया और को नहीं हुआ उससे क्वेश्चन। तो बेसिकली चीज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पटक दूं मैं, ए की जगह कौन है 15a बराबर होगा किसके 3b के, बराबर होगा किसके 5c के, सही ना यहाँ तक ओके बहुत सही। इसके बाद क्या करना होता है देखो एलसीएम देखो है ना, अब यहाँ से तो कोई रिजल्ट आ नहीं रहा सर, ए पी ए बी सी ऐसे कैसे चेक करेंगे जीपी। तो एक काम करो 15 से डिवाइड मार दो सबको, ठीक है ना। तो 15 से डिवाइड मारा तो ए बचा, यहाँ बच गया बी बाई फाइव, यहाँ बच गया सी बाई थ्री। बोलो 15 से डिवाइड मार दिया सब जगह, अच्छा इसको फिर के मान लिया। बेसिकली तीन लोग चीज़ें जब बराबर हों तो उसको हम ऐसा के मान सकते हैं। मैंने कहा था कभी भी दो या दो से ज़्यादा लोग अगर आमने सामने बैठे तो एक अपना आदमी लगा देते हैं के। मैंने 15 से डिवाइड मार लिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको, आप आज भी यही चीज़ें लिखे हुए हैं देखो है ना। आप अगर एलसीएम लोगे तो 5 इज इक्वल टू है ना 15 से डिवाइड मारा है ना, 15 इधर भी 15 इधर भी 15 इधर भी है ना, ठीक है। तो a इज इक्वल टू किसके बराबर अभी चमक रहा है के बराबर चमक रहा है, b इज इक्वल टू किसके बराबर चमक रहा है 5 के बराबर चमक रहा है, एंड c इज इक्वल टू किसके बराबर 3 के बराबर चमक रहा है। अब ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई आपको। अब हम रिलेशन चेक करेंगे, पहला ऑप्शन चेक करते हैं है ना, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन के हिसाब से या इसी में चेक कर लेते हैं, उसने बोला है बी सी ए आर एन जी पी, ठीक है ना, ये चीज़ें आ गई। उसने बोला बी सी ए आर एन जी पी, तो बी सी ए आर एन जी पी तीन लोग हैं तो जीपी में होने के लिए बीच का स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है क्या, इसका स्क्वायर करो 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर है क्या, नहीं है तो क्रॉस कर देते हैं, मन में करना है। इसको देखते हैं बी सी ए आर इन ए पी, तो ए पी में होने के लिए बीच वाले का डबल 2c इज इक्वल टू ए प्लस बी को फॉलो करना चाहिए। तो 2c यानी कि इसका 2 टाइम्स और इन दोनों का सम बराबर है क्या, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 6k, यानी कि देखो ना 2c इज इक्वल टू ए प्लस बी ट्रू है, 2c यानी कि 6k इज इक्वल टू ए प्लस बी, 5k प्लस के 6k बराबर है, यानी कि ये ऑप्शन मुझे फिट बैठ रहा है तो ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है ना। ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, 1, 2, 3, 4 ही लगभग हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा और हर अच्छे बच्चे को पसंद आता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है ना। तो कंसेप्ट ध्यान रखना क्या अप्लाई किया और किस तरह चेक किया हमने, ठीक है। ऑप्शन से भी कई बार चेक करना पड़ता है, आधे क्वेश्चन कई बार ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, सीखेंगे ये सारी चीज़ें भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन लिखा है इफ द सेकेंड कॉमा फिफ्थ एंड 9th टर्म ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट ए पी, नॉन कॉन्स्टेंट ए पी आर इन जी पी, है ना भाई। देखो इसीलिए वो ए पी जी पी, देखो दोनों की बात कर रहे हैं ए पी जी पी, देन समझेंगे। तो पहली आपको एबिलिटी डेवलप करनी है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो पेशेंस के साथ। देन द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ऑफ दिस जी पी इज है ना, इज ऑप्शन ए 4/3, बी इज 1 एंड द सी इज 7/4 एंड द डी इज 8/5। ये क्वेश्चन आया जी 2016। लिखो क्वेश्चन, लिखो बात करते हैं, क्वेश्चन लिख के पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो। और उसकी लैंग्वेज एक बार अगर नहीं समझ में आती तो दो बार पढ़ो, दो बार नहीं समझ में तीसरी बार पढ़ो, है ना। लैंग्वेज में बहुत बच्चों का प्रॉब्लम यही होता है कि वो लैंग्वेज में फंसते हैं। लैंग्वेज में नहीं फंसना है, आराम से एक एक सेंटेंस को अलग अलग करके पढ़ो। पढ़ूँ मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। बोल रहे कि इफ़ द सेकेंड
फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट एपी। नॉन कॉन्स्टेंट एपी मैंने बताया था, एपी दो तरीके, तीन तरीके की थी, इंक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी और एक कॉन्स्टेंट। नॉन कॉन्स्टेंट बोला इसका मतलब इंक्रीजिंग हो सकती है, डिक्रीजिंग हो सकती है, ठीक है। आर इन जीपी मतलब ये, अब इसी सेंटेंस में देखते हैं, ये दो बातें बोल गया, एपी जीपी दोनों एक साथ, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन पूछना चाहता है आपसे कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी, बेसिकली क्या कह रहा है, इफ द सेकेंड फिफ्थ नाइन्थ टर्म ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट एपी, यानी कि ये टर्म किसके हैं, यानी कि यहां समझ में आया, मैंने क्वेश्चन किया ये टर्म किसके हैं, एपी के हैं या जीपी के हैं, टर्म किसके हैं, तो जवाब आया क्वेश्चन से ही कि इफ द सेकेंड फिफ्थ नाइन्थ टर्म ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट एपी आर इन जीपी, यानी कि ये टर्म एपी के हैं लेकिन है किस में, जीपी में है लेकिन है जीपी में, क्वेश्चन वाला बोल रही है ऐसा हिंदी में समझ में आया। तो हम भी एक काम करते हैं, तो इसका मतलब सेकेंड टर्म टी टू टी फाइव और टी नाइन की बात कर रहे हैं, ये टर्म जो है मुझे किस में लेने हैं, एपी में। एक बात समझ में आई कि जो टर्म लेने हैं वो किस में लेने हैं, एपी में। तो आपको सिखाया है मैंने, मैंने कहा था किसी दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, डायरेक्ट चीज़ें याद रखो कि वो आएगा और वो बोलेगा कि ये एपी का टर्म है, तो टी टू एपी में लेना कैसे सिखाया है, ए प्लस डी खट एक काम कर दो, टी फाइव ए प्लस फोर डी, ये सब बातें हुई हैं, इसीलिए डायरेक्ट चीज़ें सिखाता हूँ मैं, टी नाइन ए प्लस एट डी। तो भाई ये एपी के ही लोग हैं कि नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने सही लिखा है, सेकेंड फिफ्थ नाइन्थ टर्म ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट जीपी एपी आर इन जीपी। लेकिन क्वेश्चन वाला साथ में ये भी बोल गया कि ये जो टी टू कॉमा टी फाइव कॉमा टी नाइन है ये किस में है भाई, जीपी में है। बोलो समझ में आई बात, जीपी में है। तो अब मैंने ये भी बात आपको बताई कि कल को कोई आएगा आपके सामने, मैंने जो इतनी बातें बोलता हूँ ना सब ध्यान रखनी है आपको, मैंने बोला था कि कल को आपको कोई आएगा और बोलेगा ये भाई तीन लोग जीपी में हैं, तो आपको तुरंत रिलेशन पता होना चाहिए कि जीपी में होने की कंडीशन क्या है। जीपी में होने की कंडीशन बताई थी कि बीच वाले का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के, नहीं ये बात समझ में, और ठीक है ना, ये कंडीशन है तो थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं जो जो हमारा दिमाग कहता है। लेकिन दूसरी बात, एक और काम सोचते हैं कि उसने पूछा भी क्या है, आगे भी बढ़ते हैं। देखो हर सेंटेंस से मैंने अलग अलग चीज़ें की, पहले सेंटेंस से एपी में टर्म ले लिए, आर एन जी पी बोला तो ये लिख लिया मैंने, मुझे जो जो समझ में आ रहा है वो लिख रहा हूँ। देन फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ दिस जी पी, कॉमन रेशियो निकालना चाहता है इस जी पी का। बोलो सही है कि नहीं, कॉमन रेशियो चाहिए इस जी पी का, कैसे निकालें सर कॉमन रेशियो, ये जी पी में है। कॉमन रेशियो फिर क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है आर, आर फाइंड करना है हमें, है ना भाई। तो कॉमन रेशियो ये सर जीपी में है ना, तो इसका मतलब इसका इसका रेशियो ही कॉमन रेशियो होगा क्या। देखो यही यहां पर कंफ्यूज करने की उसने कोशिश की कि आपको दिखाई दे ये सेकंड टर्म और ये फिफ्थ टर्म, तो आपको लगे कि नहीं बीच की टर्म मिसिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एपी के लोग हैं लेकिन हैं जीपी में, तो इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या होगा सर, टी फाइव बाई टी टू लिख सकते हो आप, कॉमन रेशियो इज टी फाइव बाई टी टू। तो टी फाइव कौन है लगा के देखता हूँ मैं, टी फाइव कौन है, वहाँ से ए प्लस फोर डी है, ए प्लस फोर डी है, नीचे इधर आओ, इधर क्या है, टी टू कौन है, ए प्लस डी है। मैंने कहा ओके यहीं पर होल्ड करके रखो, जब तक आपको ए और डी प्राप्त नहीं होते या कुछ ऐसा प्राप्त नहीं होता तब तक आप आर भी नहीं निकाल पाओगे, फंस गए, अब यहाँ पर फंस गए। तो लेकिन एक रिलेशन है आपके पास, यहाँ से कुछ हाथ पैर चलाएंगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, तो ए प्लस फोर डी का होल स्क्वायर कर दूँ मैं, है ना भाई, टी फाइव का स्क्वायर ए प्लस फोर डी का स्क्वायर इज इक्वल टू टी टू मतलब ए प्लस डी इंटू टी नाइन ए प्लस ए थी। तो आपको इन क्वेश्चन से ये समझ में आना चाहिए कि देखो पेशेंस के साथ हर सेंटेंस पर ध्यान रखना है, वो सेंटेंस क्या बोलता है वो लिख के लेना है, और क्या क्या आप कर सकते हो वो चीज़ों पर ध्यान रखना है। मैं आपको मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन आऊँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करके भाग जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको सोचना कैसा है, है ना। तो अब देखो, अब इनको कुछ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करता हूँ, कुछ ना कुछ रिलेशन निकलेगा, फिर वहाँ पर पुट करके देखेंगे कुछ आएगा क्या। तो थोड़ी देर बाद आपको लिखा ए स्क्वायर प्लस 16 डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 ए डी, ओके इधर भी मल्टीप्लाई करोगे आप, तो थोड़ी देर पर दिखा ए स्क्वायर प्लस 8 डी स्क्वायर, है ना भाई, और प्लस 8 ए डी प्लस ए डी, तो 9 ए डी लिख दूँ एक साथ,
है ना, 8AD और AD, तो 9AD। थोड़ी देर बाद आपको समझ में आया, देख लेना कुछ गड़बड़ कर देता हूँ मैं कई बार, T9 इतना, A8D ठीक है, 4D T5 और A+D, यस गुड, T2 ठीक है ना, सेकेंड टर्म ठीक है। तो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ से A² साफ हो गया और 8D² से 16D² घट गया तो 8D² बच गया इधर की तरफ। अच्छा 8AD से 9AD घट गया तो उधर की तरफ AD बच गया क्या। अच्छा कुछ कट रहा है यहाँ से भी, तो आपको समझ में आया 1D और 1D उड़ा दें, तो यहाँ से समझ में आया कि सर 8D इज इक्वल टू मुझे मिल गया A के बराबर। मैंने कहा वेरी गुड, यानी कि A की वैल्यू आपको D के टर्म्स में प्राप्त हो गई कि नहीं हो गई, रख दो यहाँ पर, क्योंकि हमें कौन चाहिए, हमें R चाहिए, उसने क्या पूछा था, R चाहिए था, तो R निकाल लें, तो R में A की जगह मैं 8D रख दूँ, रख दो सर, तो 8D प्लस 4D अपॉन 8D प्लस D। थोड़ा सॉल्व किया सबने तो 8 4 12D सबको दिखाई दिया, नीचे कितना दिखाई दिया, 8 1 9D, D से D साफ हो गया, 12 और 9 कितना होता है भाई, आया या नहीं आया आंसर, कॉमन रेशियो 12 और 9 कैंसिल करो ना, कितना आएगा 4/3 है ऑप्शन में, ये ऑप्शन में मैं 2-3 काम पैरेलल करता था। सारी चीज़ों पर आपको नज़र रखनी है कि आपको जो उस क्वेश्चन ने दिया है, देखो क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या सीख मिलती है हमें, बात यह है कि जो क्वेश्चन दे वो आपको ढंग से समझना है और लिख के लेना है, मतलब क्या क्या आपके पास उपलब्ध है क्वेश्चन में, क्या क्या चीज़ें और बोल रहा है वो, पैरेलली सब लिखना है, और क्या उसने डिमांड की है, सब पर नज़र बना के रखनी पड़ेगी एक साथ, ये चीज़ें एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ ली, एक चीज़ पर ही दिमाग लगा के बैठे फिर दूसरी चीज़ पर ध्यान ही नहीं, क्योंकि हो सकता है दूसरी तरफ से आंसर आने की कोशिश हो। अगर मैं यहाँ से A और D फाइंड करने की कोशिश करता तो मैं कभी कर ही नहीं पाता, खुद सोचो एक ही रिलेशन था मेरे पास A और D में, अगर मैं A और D सेपरेट फाइंड करने की कोशिश करूँ मैं अलूलत जाऊँगा, तो इसीलिए मैंने पैरेलल दिमाग लगा कि जो पूछ रहा है वो क्या है, वो T5/T2 है और वो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसलिए उसमें D रखो, D कैंसिल हो गया बाद में, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं पड़ी, ये चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है। फिलहाल ये बंद करते हैं, सीक्वेंस सीरीज़ के लगभग 2-4 क्वेश्चन ये हुए, 1-2 है ना, बाकी हम करेंगे इन डिटेल जब हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत प्रैक्टिस करूँगा मैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझेंगे, आसान चैप्टर है, एक क्वेश्चन आता है हर साल JEE में, इसी तरह आता है और लगभग क्वेश्चन बन ही जाता है, आसान है, ठीक है। तो अभी फिलहाल बात करते हैं आगे, मैं थोड़ा बेसिक बता के जाऊंगा, आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैं थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पे जाऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि ये पूरा मैं बताऊं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा लगभग इसके अंदर 5 या 6 चैप्टर हैं और इसका वेटेज जरूर रहता है 25-30 मार्क्स इन JEE मेंस, तो इसलिए इसका बेसिक मुझे बताना ही पड़ेगा आपको, है ना, इतने मार्क्स का ये आता ही है ना JEE में, तो इसलिए इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो बेसिक आपने इसलिए बचपन में भी पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, तो पहला स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है मेरी। कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना भाई। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक सिस्टम है, 2D बोल सकते हैं जिसे हम, 2 डायमेंशनल भी बोलते हैं इसे, है ना, फाइनली वेक्टर पढ़ोगे ज्योमेट्री, 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ोगे उधर 3D पढ़ोगे आप, तो 2-डायमेंशनल सिस्टम होता है ये, जिसमें कि एक वाई एक्सिस रहेगा और एक एक्स एक्सिस रहेगा, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस, आपने भी यहाँ तक चीज़ें ऐसी पढ़ी होंगी, आराम से समझते हैं कुछ जल्दबाजी नहीं, तो आपने समझ यहाँ तक तो चीज़ें सीखी होंगी कि एक्स एक्सिस की तरफ इधर पॉजिटिव लोब होते हैं, मैंने बताया ये 0 होता है, इसे हम नाम देते हैं हमारी ओरिजिन, क्या नाम देते हैं, ओरिजिन, और मैक्स ऑफ द टाइम O से ही डिनोट करेंगे इसे ओरिजिन, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, मतलब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो पॉइंट डिनोट करते हैं, पॉइंट जो लिखते हैं उसका फोटो जो होता है पॉइंट x, y जैसा होता है, यानी कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस चलता है उसे हम x बोलते हैं, पॉजिटिव में चल रहा है तो पॉजिटिव की तरफ x, और y में जो डिस्टेंस चल रहा है, सपोज करो इधर y में इतना डिस्टेंस चला है ना, ये y में डिस्टेंस चला, तो ये फाइनली x में इतना डिस्टेंस, y में इतना डिस्टेंस, तो दोनों कहाँ टकराए, यहाँ पर टकराए, तो x, y यहाँ पर मिलता है आपको, यानी कि x, y ये डिस्टेंस होगी, है ना भाई, ये y, तो बेसिकली ये पॉइंट है, x डिस्टेंस को हम बोलते हैं एब्सिस, है ना, स्पेलिंग देख लेना, ऑर्डिनेट,
कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसको नाम देते हैं ऑर्डिनेट। तो कोई भी पॉइंट हम ऐसे डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और बेसिकली है ना, समझ में आया क्या ये चीज़? अच्छा सर, इसके बाद ये पहली चीज़ है कि एक्स डिस्टेंस इधर है, निगेटिव में भी एक्स जा सकता है, पॉजिटिव में भी एक्स जा सकता, वाई जा सकता है, इस तरह। इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इतनी बात अपने नंबर सिस्टम में भी सीखी थी, इधर इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी वाई में होता है, इधर इन्फिनिटी होता है, यानी कि कितनी भी दूर तक हम घूम फिर सकते हैं। तो पहली बात है ना, एक्स डिस्टेंस पर में जितना मूव करोगे वो एक्स में डिनोट किया जाएगा, और वाई डिस्टेंस पर जितना घूमोगे आप वो वाई में जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है साइन कन्वेंशन, इसी में मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? चलो बता ही देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, किसी को अगर चाहिए तो देखो, कल को आपको 2.5 पॉइंट दिखाना हो, 2.5 पॉइंट आया आपके पास, P कोई पॉइंट है 2.5, तो इसको मुझे अगर एक्स एक्सिस पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाना हो तो इसका मतलब है 2 डिस्टेंस मुझे कहाँ चलना पड़ेगा, एक्स में चलना पड़ेगा, और 5 डिस्टेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव में है दोनों, तो 5 डिस्टेंस पॉजिटिव में मुझे इधर जाना पड़ेगा 5, है ना भाई। तो लगभग पॉइंट यहाँ मिला 2x में चले, और ये तो इस पॉइंट को हम 2.5 बोल देते हैं, ठीक है ना भाई, ये पॉइंट है 2.5 P पॉइंट। तो ये चीज़ समझने की उसे। दूसरी चीज़ इसी में साइन कन्वेंशन भी है, जो साइन कन्वेंशन हम रखते हैं, क्योंकि हम निगेटिव में भी जा सकते हैं और पॉजिटिव में भी जा सकते हैं, तो आपको साइन कन्वेंशन पर चर्चा कर लेते हैं। ये x एक्सिस y एक्सिस, तो यहाँ पर हम साइन में प्लस और प्लस वाला कोऑर्डिनेट मानते हैं, इसे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट नाम देते हैं। ये अपनी चर्चा थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री से भी हुई। देखिए आप, बेसिकली मैथ्स पूरा रिलेटेड है, सारी चीज़ें चलती रहती। तो प्लस इधर एक्स एक्सिस में निगेटिव में आ गए हम, ये माइनस, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, और ये माइनस होता है ना भाई। तो एक्स में निगेटिव आ गए, वाई में प्लस है, तो इस कोऑर्डिनेट के लिए माइनस कॉमा प्लस वाला डिब्बा मिलेगा इसको, और इसे हम नाम दे देते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा इधर देखो तो माइनस माइनस दोनों फंस रहे हैं, तो इस क्वाड्रेंट के लिए माइनस कॉमा माइनस रहता है, और इसे हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है ये प्लस माइनस तो हो सकता है आप बोरियत महसूस कर सकते हो, लेकिन मेरी ड्यूटी है मैं पढ़ाऊँ आपको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना भाई। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कहने का मतलब सर, फिर से एग्जांपल पे ही आते हैं, कल को आपको पॉइंट देखना हो 2.-5, या चलो एक कोऑर्डिनेट ही लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे यहाँ पर पॉइंट, जैसे 2 डिस्टेंस चले थे हम, तो 2.5 और 5 डिस्टेंस इधर चले थे, 5 इधर एक्स वाई में और 2 एक्स में चले थे, तो 2.5 पॉइंट यहाँ पर मिला 2.5, है ना भाई। और इसी तरह पॉजिटिव में 2 चले लेकिन वाई में निगेटिव -5 गए, है ना भाई, इधर 5 इधर 2 इधर -2 होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर आपको पॉइंट ये देखना है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2.-5, है ना भाई। तो इसके देखो 2.-5, ये पॉइंट यहाँ होगा। अगर ये पॉइंट इधर देखें सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो -2 और 5 पॉजिटिव, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ इतना डिस्टेंस और ये इधर, तो यहाँ पर प्राप्त होगा आपको। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर होंगे -2.5, और इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं सेम पॉइंट देखने की कोशिश करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसके साइन माइनस माइनस होंगे, तो -2.-5 अगेन इट इज़ पी। ये चीज़ चलती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट पी क्वाड्रेंट के हिसाब से अपने साइन चेंज करता है बस, और कुछ नहीं, बाकी मॉड वैल्यूज़ की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर रहेगी। इस पॉइंट को हम 0.0 बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0.0, यानी कि 0 डिस्टेंस एक्स से, 0 डिस्टेंस वाई से। तो आई होप इतनी बातें समझ में आई क्वाड्रेंट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते, कॉपी कर लो। मिटा दूँ, देखो देखो आगे बढ़ता हूँ मैं इसी में। ये पहली बात हो गई कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आया कि पॉइंट कैसा होता है और क्या चीज़ें हैं, प्लस माइनस किधर लेते हैं, कौन से कोऑर्डिनेट में, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा तो एक बात और समझ में आई, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जैसे कोई भी पॉइंट ले लूँ मैं, इधर एच कॉमा के ले लेता हूँ, ठीक है ना भाई, एच कॉमा के, यानी कि एच का मतलब है कि ये डिस्टेंस एच इधर चला होगा, है ना भाई, ये डिस्टेंस, और के इधर की तरफ चला होगा, है ना भाई,
के डिस्टेंस ये, तब ये पॉइंट मिला। तो एक काम मैं थोड़ी सी इसमें जानकारी देता हूँ कि जो h लेंथ है, यानी कि h इक्वल टू, इसको हम अपनी भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं कि h इज परपेंडिकुलर, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो h क्या वो डिस्टेंस है पॉइंट की, इधर देखो, क्या ये भी h ही होगी क्या? मतलब h डिस्टेंस अगर ये है तो ये भी तो h ही होगी ना भाई। तो h जो है, यानी कि पहला पॉइंट जो है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट आपका है P, जो पॉइंट है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे, पॉइंट फ्रॉम, है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो पहला पॉइंट होता है, जो h बोल रहे हो आप, जिसे एप्सिसा बोल रहे हो आप, है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसकी, y एक्सिस से डिस्टेंस होती है। इसी प्रकार k जो है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना भाई, कहाँ से, ये y एक्सिस से, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, यही तो k है और यही तो h है, किससे है, y एक्सिस से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, है ना भाई, मतलब y वाला जो पॉइंट है वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है, और ये इस तरह, कल को ऐसे लैंग्वेज में आए तो समझ में आना चाहिए, है ना। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, तीसरा, इसमें बेसिक की बात करते हैं हम, एक डिस्टेंस फार्मूला, है ना भाई, मिटा देता हूँ मैं, ये मिटाता हूँ, है ना, फिर आता हूँ डिस्टेंस फार्मूला। या तीसरी बात पे चलते हैं कि कभी भी देखो, मैं अपने हिसाब से बेसिक लेता हूँ और मुझे जो चीज़ें चाहिए होती है क्वेश्चन में, वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि कल को आपको क्वेश्चन में क्या दिखाई दे। कई बार आपको, है ना, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, लेना होगा अपनी तरफ से पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, है ना, पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लेना हो तो हम कैसे लेते हैं पता है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अगर लेना हो तो पी एच कॉमा जीरो टाइप लेते हैं, क्योंकि उसके लिए एक्स एक्सिस के लिए आप ध्यान रखो, ये चीज़ें इसी में लिख रहा हूँ, फॉर एक्स एक्सिस, अगर किसी ने एक्स एक्सिस किया है तो उसके लिए वाई हमेशा जीरो होता है, फॉर वाई एक्सिस हमेशा एक्स इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि उसका एब्सिसा पार्ट जीरो होता है, ये भी बात ध्यान रखना। कैसे सर, ये समझ में नहीं आया, देखो इधर देखो, मैं अगर कोई पॉइंट लेता हूँ जो एक्स एक्सिस पर हो, एक्स एक्सिस पर हो, तो मान लो टू डिस्टेंस चल के आया, तो ये पॉइंट कैसे लिखोगे आप, टू, लेकिन वाई में कितना चला, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है आज, है ना भाई, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, ये वाई में चला क्या, थोड़ा भी वाई में कोई यूनिट नहीं चला, तो 2.0, यानी कि इसकी फोटो जो होगी वो कुछ इस हद तक होगी, यानी कि h डिस्टेंस सिर्फ x एक्सिस में जो चलेगा वही लिखा जाएगा। इसी तरह अगर मैं सिर्फ y एक्सिस पे बात करूँ पॉइंट की, तो ये पॉइंट मान लेते हैं कुछ 4 डिस्टेंस y में चला, लेकिन x में नहीं चला कुछ भी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के, क्या लिखूंगा मैं, x में 0 चला है लेकिन y में 4 चला है। कहने का मतलब ये है कि आपको ज़रूरत पड़े एकदम से कि पॉइंट ऑन y एक्सिस मानना है कोई पॉइंट अपनी तरफ से, कैसा दिखता है y एक्सिस पर कोई पॉइंट, तो वो दिखता है 0.k टाइप, ये बात भी ध्यान रखना, यानी कि वो पॉइंट अगर y एक्सिस पे अगर आपको लेना है तो 0.k टाइप होता है, है ना भाई। अब k बेसिकली कुछ और हो सकता है, ये चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। तो इधर वाला पॉइंट हम h, 0 मानते हैं, x एक्सिस पर पॉइंट कोई लेना हो, किधर भी लेना हो, और इधर y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना हो तो 0.k टाइप। मैंने बताया आपको कि अगर x एक्सिस पर पॉइंट लेना है तो उसके लिए हमेशा कौन जीरो होता है, y जीरो होता है, तो उसके लिए y जीरो है। y एक्सिस के लिए हमेशा कोई पॉइंट लेना हो तो उसके लिए कौन जीरो होता है, x एक्सिस वाला x पार्ट जीरो होता है, एब्सिसा जीरो होता है। तीसरी, चौथी चीज़ अपर आप बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, है ना भाई, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। अब मान लेते हैं क्या है, हम क्या चाहिए, हमें कि क्या चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला, या फिर बोलो इसको शॉर्ट में, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स।
यानी कि आज आपको कोई आया और बोल गया ठीक है एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ मुझे, तो उसका कोई फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास, या कैसे आता है वो मैं चीज़ें बताता हूँ बेसिकली। तो मान लेते हैं रैंडम, तो मैंने एक्स, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, समझने की कोशिश करना भाई, थोड़ा डायग्राम है ना, वाई एक्सिस। तो मैं रैंडम कोई पॉइंट मान लेता हूँ पी, पी पॉइंट, थोड़ा डायग्राम छोटा पड़ेगा है ना, पी पॉइंट, और इधर मान लेता हूँ क्यू पॉइंट, ठीक है समझने की कोशिश कर लेना कुछ प्रॉब्लम नहीं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिए एक्स वन वाई वन मान लो, थोड़ा छोटा छोटा आएगा एक्स वन वाई वन, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस वाई वन होगी क्या, बोलो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स वन और ये डिस्टेंस वाई वन है ना, बोलो दिख रहा है क्या आपको, थोड़ा देखने की कोशिश करना, छोटा छोटा आएगा ये वाई वन, अच्छा अच्छा इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ एक्स टू वाई टू लेफ्ट है ना, मैं मिटाता हूँ भाई मुझे मज़ा नहीं आ रहा है ना, बहुत छोटा होता है ना मुझे मज़ा नहीं आता, दिखता नहीं, पूरे मिटाता हूँ, वापस बात करते हैं। फिर से एडिंग दे दूँ, चौथा पॉइंट था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स पी एक्स वन वाई एंड क्यू एक्स टू वाई टू, ठीक है ना, ये तो दो पॉइंट के बीच के हमें डिस्टेंस प्राप्त करनी है। अब बड़ा सा बनाएंगे, ये एक्स और ये वाई है ना भाई, देखो चीज़ों को समझना है कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी अभी आप समझ के आए हो सारी चीज़ें कि भाई अगर कोई भी पॉइंट एक्स वन वाई वन मानना है तो पी मान लेते हैं यहाँ पर है लेट, पी यहाँ पर चमक रहा है, क्यू यहाँ पर बहुत बैठा है आराम से है ना भाई, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हैं एक्स वन वाई वन, पी के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन वाई वन, क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू है ना भाई, लेट टू पॉइंट्स, क्योंकि इन दोनों के बीच की यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त करनी है, डिस्टेंस प्राप्त करनी है, तो आप ही बता दो मुझे कि ये कितना डिस्टेंस होगा, एक्स वन होगा क्या यहाँ से यहाँ तक अगर परपेंडिकुलर डालें, अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि ये डिस्टेंस नीचे से ऊपर तक ये वाई वन होगा क्या, सोचो, अरे यही तो चर्चा की अभी तक कि भाई जो पॉइंट वाई वन अगर यहाँ लिखा है तो यानी कि वो वाई डिस्टेंस वाई में गया होगा इतनी डिस्टेंस, और इतनी डिस्टेंस एक्स में गया होगा, तो इसी प्रकार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इसके मैं ऐसे इसी तरह इधर भी बात करूँ तो ये जो डिस्टेंस वाई टू आया होगा क्या यहाँ तक, यहाँ टकराया ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाई टू होगा क्या डिस्टेंस, और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक एक्स टू होगा क्या डिस्टेंस, बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते हो, मानते हो ये बात, नहीं मानो, मानो या ना मानो कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ता है, मुझे तो पढ़ाना है ठीक है ना भाई, ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ये डिस्टेंस आपको चाहिए। किसी ज़माने में आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी थी, याद आ रही है क्या, देखो उस पर आने से पहले मैं बस आपको बता दूं, ये डिस्टेंस x2 पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये x1 यहाँ से यहाँ तक, तो कोई मुझे बताएगा कि सर ये जो यहाँ पर पॉइंट आपने लिया यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी x2 माइनस x1, अरे भाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x2, यहाँ से यहाँ तक x1, तो बीच की डिस्टेंस कितनी है x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस मैं अगर इधर जोड़ दूँ ये ऐसा, तो आप मानोगे सर ये डिस्टेंस जितनी है वही ये है, तो मैं बोल दूँ इसको x2 माइनस x1, देखो कलर चेंज किया इसीलिए, यानी कि ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है जो कलर से दिखा रहा हूँ। दूसरा मैं इसी तरह बोलूँगा कि ये देखो y1 डिस्टेंस है और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है y2 है, तो इसका मतलब सर ये जो डिस्टेंस आप बोल रहे हो ये डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1, तो मैं बोलूँगा यस, और ये डिस्टेंस चूँकि ये देखो पैरेलल है ना भाई, ये डिस्टेंस उठा के इधर रख दो तो यही डिस्टेंस कौन है, ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1, बोलो आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ। अब आज के दिन आपको d निकालना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, यानी कि d बिटवीन पी क्यू, डी पी क्यू, डी फॉर डिस्टेंस, पी क्यू मतलब पी क्यू के बीच के, तो ये डिस्टेंस निकालनी थी, आज आपको याद आएगा अरे पाइथागोरस थ्योरम है ना भाई, तो इस ट्राइंगल में ही ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, क्योंकि ये पॉइंट्स पता थे, तो इनके बीच की डी पी क्यू कैसे लिखूं, मैं पाइथागोरस लगाया तो डी पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो dpq चाहिए आपको, तो यहाँ पर रूट लग जाएगा,
इज इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये आया फॉर्मूला आपका डी का, है ना पॉइंट, है ना, डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन एंड क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू, है ना भाई। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। बेसिकली किसी में से किसी को घटा सकते हो, कई बार बच्चे फिक्स करते हैं नहीं एक्स टू से एक्स वन को घटाएंगे, कुछ बात नहीं है, स्क्वायर ऊपर हैंडल कर लेगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट नोट जो बात रखनी है, नोट करके कुछ बातें मैं देता हूँ यहाँ पर नोट करके, जो आपको नहीं बुक्स वाले बताते या आप ध्यान नहीं देते हो। नोट, आपको पता है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना भाई, हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी कि कल को आपको डिस्टेंस निकालो नेगेटिव आ गया तो पहले ही मना कर देना, भाई डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकती है। तो हमेशा ऑलवेज टेक मॉड, है ना, ऑलवेज, सो ऑलवेज टेक मॉड, है ना, मॉड वैल्यू, यानी कि मॉडुलस वैल्यू आपको लेनी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, इफ डिस्टेंस इन क्वेश्चन गिवन, अगर आपको क्वेश्चन वाले ने डिस्टेंस दी है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन क्वेश्चन गिवन, देन ऑलवेज टेक इट विथ मॉड। मतलब क्या है, दूसरी लाइन में क्या बोला मैंने इंपॉर्टेंट नोट करके, मैं बताता हूं कि देखो कल को आपको वो डिस्टेंस देके भाग जाए, वो इतना सेंटेंस बोले कि भाई दो पॉइंट है मेरे पास, क्वेश्चन वाला ऐसा बोलेगा आपको कि देखो दो पॉइंट है मेरे पास कहीं तो एक्स वाई में, है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर, है ना, डिस्टेंस दी उसने, डिस्टेंस बिटवीन गिवन, ये क्वेश्चन वाला गिवन देगा आपको, गिवन दिया रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सिक्स। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जिस दिन आप डी लेना तो उस दिन मॉड डी लेना, मॉड डी इज इक्वल टू सिक्स, यानी कि डी इज इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स। यहाँ से दो चीज़ें निकलेंगी क्योंकि वो दो पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस, ये चीज़ कहने की वाली बात है। यानी कि आपको क्या लेना है, कभी भी आपको ऐसा कोई बोल के चला जाए तो मॉड डी लेना है आपको, है ना भाई, मॉड डी, समझ में आया। क्वेश्चन कर लें आसान सा, चलो क्वेश्चन आया, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन, है ना, पी टू कॉमा फाइव एंड क्यू माइनस वन कॉमा थ्री, ठीक है ना, माइनस वन कॉमा थ्री, पहली चीज। दूसरा, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ पी टू कॉमा फाइव फ्रॉम ओरिजिन, दो क्वेश्चन छोटे छोटे आराम से करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं। देखो मेरा क्या है, आप कम पढ़ो लेकिन सही से समझ के पढ़ो, सही से समझ के ज़्यादा ज़रूरी है, कम पढ़ो थोड़ा सा करो लेकिन अच्छा करो, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एक साथ ठूस लिया और फिर डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा, ठीक है ना, आराम से पढ़ते कुछ दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला आ गया, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो क्या आप मुझे इन दोनों के बीच डिस्टेंस दे सकते हो क्या, यानी कि पहला अगर करने जाओगे तो डी पी क्यू, अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। दूसरी बातें मैं ये बताता हूँ, एक बार ये फार्मूला लिखता हूँ मैं बोर्ड पे, ठीक है ना, दोबारा नहीं लिखता मैं, कभी भी क्वेश्चन करूँगा तो मैं फार्मूला नहीं लिखूँगा। अभी आपको मन में करना है, मैंने बोला किसी से भी किसी से घटाओ, यहीं पर मान लो, ये मान लो एक्स वन वाई वन है और ये एक्स टू वाई टू है, तो मन में ही घटेगा मेरे, तो x2 टू माइनस एक्स वन, तो माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, बोल दो थ्री माइनस फाइव का होल स्क्वायर। मैंने बोला किसी से मे भी किसी को हटाओ, बस y y वाला घटेगा, x x वाले से घटेगा, ठीक है, नहीं ये बात ध्यान रखना, वो स्क्वायर है हैंडल कर लेगा सारी चीज़ें, आपको डरने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में ही सही हो जाएगा। माइनस थ्री का स्क्वायर बोलो कितना होता है, नाइन,
प्लस 3 में से 5 क्या, -2 -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 9 4 13, यानी कि कितना है डिस्टेंस √13, ठीक है ना। जाने देते हैं, रूट आया कुछ दिक्कत थोड़ी, रैंडम क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ P 2.5 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन बोला, यानी कि इन शॉर्ट आपको किससे डिस्टेंस निकालनी है, 0 0 से निकालनी है। नाउ इट इज़ x1 y1 एंड नाउ इट इज़ x2 y2, फटाफट डिस्टेंस बता दो। तो d फ्रॉम ओरिजिन, तो OP लिख दो, ओरिजिन को O से डिनोट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ x2 - x1, तो बेसिकली 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर, है ना भाई। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 4 29, तो √13 डिस्टेंस होगा, ठीक है। आसान बातें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक रोकता हूँ मैं, डिस्टेंस फार्मूला और बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, और भी चीज़ें बहुत पढ़नी है हमें इसमें, स्ट्रेट लाइन के बारे में बेसिक्स जानना है, ट्राइंगल्स के बारे में जानना है, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानना है, बेसिक ज्योमेट्रीज जो पढ़ी आपकी वो सब बेसिक खत्म करने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है ना बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं बेसिकली, है ना। रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे, उनके एरियाज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, आगे जो भी आने वाला है बेसिकली आपने पढ़ा है, मुझे रिलेट करके देना है आपको बस, है ना, कि आप जेई से रिलेट कर पाओ चीज़ों को, तो यहाँ तक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।